राजस्थान के श्रीगंगानगर में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। बिजली की तार की चपेट में आने से पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। किसान खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली भरकर घर ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। रास्ते में ऊपर से गुजर रही बिजली की तार में टकराने की वजह से अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे पराली में चिंगारी उठने लगी और पल भर में आग ने पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए आसपास मौजूद लोग भागते नजर आए, लेकिन तब तक भीषण आग की लपटों में पराली जलकर राख हो चुकी थी। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के लिए दमकल कर्मियों ने किसी तरह ट्रॉली को खाली करवाया। बताया गया कि किसान अपने जानवरों के लिए खेत से पराली लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बिजली की लटकती तार की वजह से आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की जान बच गई। कासिम मुनीर को सेना प्रमुख बनाए जाने का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान की फौज में कई अफसरों ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कासिम मुनीर 29 नवंबर को रिटायर हो रहे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बाजवा की जगह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि उनके नाम के ऐलान के बाद से ही सेना में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि कासिम मुनीर के विरोधी 2 बड़े अफसरों ने अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। जिन 2 अफसरों ने ये फैसला किया है वो इमरान खान के करीबी बताए जाते हैं। इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तो इमरान खान की सरकार के वक्त ISI चीफ थे, जबकि दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी इमरान के चहेते बताए जाते हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक दोनों अफसरों के इस्तीफे की वजह भी यही है, क्योंकि कासिम मुनीर को इमरान खान का विरोधी कहा जाता है और दोनों के बीच उसी